महफिल और कलकत्ता के प्रभु श्रोताओं, मैं आज ऐसा नहीं है कि मैं काफी सालों में आ पाती हूँ, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं, आप सारी दुनिया के मुशायरे आप पर निछावर किए जा सकते हैं। और 42 साल का सफर है मेरा जिंदगी का, हिंदी उर्दू मंचों पर बराबर से जाती रही हूँ। कितनी देर इरशाद याद सुना बोल अता नवाजिश मेहरबानी। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गए तेरी तस्वीर। मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा। भाई ये तो अच्छी तालियां बज रहे हैं, आप कुर्सियों पे नजर रखिएगा। मजबूरियों के नाम सारी कुर्सियों पे नजर रखिएगा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मेरी बहनें सुने, भाभी साजिया बहुत सारी हैं, अंजुम की जिंदगी का आईना है ये शेर। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। वाह वाह क्या बात है, मैं आपके लिए तालियां बजाती हूँ, बस सुनते रहिए आप। एक मतलब तो शेर और सुनते हैं। एक बार के मिलने को एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, कुछ लोग तो ऐसे आए थे कि वो आए थी तो आए थे। अब पता सुनो, एक बार मिलने जो प्यार समझते, एक बार के मिले को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को से। ये शेर सुनाया जा सकता है, अगर हम पाकिस्तान को दे दें ये शेर
या एक बहुत झूठे मोहब्बत करने वाले को ये स्टेज थोड़ा दें। चाहत की इबादत को जो लोग समझता है, चाहत की इबादत को जो लोग समझता है, चाहत की इबादत को जो लोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को दीवार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को समझते हैं। और अंजुम का ये शेर, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के, मैं कलकत्ता वालों के लिए नहीं पढ़ रही, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के, ये ऊंचे घरानों के जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, पागल है मगर खुद को। शुक्रिया आपका। एक गजल सुनाती हूँ, मैं फरमाइश ही पूरी करती हूँ। इस गजल की रतीफ है नहीं चाहिए, और आप उससे वादा करें कि आप इस गजल के साथ सफर करेंगे। तालियां बजा के बताओ। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, बस यहीं रहेंगे। अब मैं कहूंगी जब कहना, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। और अरुण जैनी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग इसी मजाक भी करते हैं। अरुण भाई, एक दोस्त ये शेर आपको जरूर करता है, क्या है कि ज्यादा देर तक हंसना की दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। और देखो ये शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक है, बारिशों के इरादे खतरनाक है, बारिशों के इरादे खतरनाक है, अब पतंगे साबित कर देना कि नहीं है, तुम सच बोलती है। मैंने ये सोच कर, रेहान भाई, हाजिया भाई, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का तो खाना, दोनों हाथों का किसान चाहिए, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का तो खाना नहीं चाहिए, दिल किसी का तो खाना नहीं चाहिए। और चुका ये नजर का ये पत्ता है, एक कमोले में अंजुम कटे जिंदगी,
नहीं चाहिए हर जगह हर का दो हर जगह फूल खिलाना नहीं चाहिए रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। अब सुनेगा जान भी अब दिल पे भारी जाएगी। मैं फिर कह रही थी तालियां नहीं भी बजेंगी तो मुझे गजल सुनाना है बस। जान भी अब दिल पे भारी जाएगी जान भी अब दिल पे भारी जाएगी ये बला सर से उतारी जाएगी ये बला सबसे उतारी जाएगी। अब शेर सुनो मतलब बराए मतलब भी हो सकता है। जाने कब वो आएगा परदेश से जाने कब वो आएगा परदेश से जाने कब वो आएगा परदेश से जाने कब ये बेकरारी जाएगी जाने कब वो आएगा परदेश से जाने कब ये बेपरारी जाएगी। और अंजुम की जिंदगी के एक पल तुझ बिन गुजरना है कठिन एक पल तुझ बिन गुजरना है कठिन जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। अच्छा सुना रही हूँ मैं एक पल तुझ बिन गुजरना है कठिन जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। और बड़ी बहन का तोहफा जितनी भी नौजवान नस्ल यहाँ बैठी है हालात किया गए हैं आसमां से चांद तारे नोच लो। ये बात बच्चों कह रही है आपकी बड़ी बहन आसमां से चांद आपको भी सुने आसमां से चांद तारे नोच लो आसमां से चांद तारे नोच लो आसमां से चांद तारे नोच लो कब तलक झोली पसारी जाएगी कब तलक झोली पसारी जाएगी इश्क के चक्कर में अंजुम एक दिन भाई मुझे दर्द तो दे सकते हैं मेरे छोटे भाई प्यार के चक्कर में अंजुम एक दिन जिंदगी दे सीधे सीधे कुछ का बोलते हुए जो फरमाइश करती हूँ पढ़ती रहती हूँ मसारी और क्या हुआ ऐसे ही जब मोबाइल आ गए तो चिट्ठियां बहुत लिखी मैंने बहुत सारे लोग देखते होंगे उस जमाने में तो मुझे उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर याद आया कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मैंने कहा इस पे गजल लिखी जाए बस आप सबको चिट्ठियां पढ़ना है पढ़ती रहती हूँ मसारी चिट्ठियां। चाचा जी आपने तो लिखी होंगी हाँ आप जरूर बोलिएगा पढ़ती रहती हूँ मसारी चिट्ठियां पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियां रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां रात है और है तुम्हारी दीपू भैया भाभी पास में बैठे तो नहीं बोलोगे रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। अब गजल शुरू सफर करती है आओ तो पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हें आओ तो पढ़कर
है ये तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां, हम नजर आए हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियां, जब जलाओगे हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में। बहुत बड़ा और मजर का जो शेर है आप सबको नस करती हूँ, गाय से भी तवज्जो दुआएं चाहती हूँ। और मजर का ये शेर लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुमारी चिट्ठियां। अच्छे शेर पे अच्छी तालियां बजनी चाहिए। सदी में भी चले जाए लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी संस्कार हैं वो कभी कम नहीं होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। क्या कहते है अभी तक वो तुम्हारी चिट्ठियां, चिट्ठियां। आप सब इजाजत है, एक बच्चा दूषित मुझे मालूम है दाद कम मिलेगी मुझे लेकिन मुझे यहाँ सुनाना है। हर कसम आपको के शहर में तोड़ कर, हर कसम आपको के शहर में, सब नहीं गाएंगे जब तक यही तोड़ कर, हर कसम आपको के शहर में तोड़ कर, हर कसम आपको के शहर में आ गए ऐसे वैसे कहीं देखते देखते, ऐसे वैसे कहीं देखते देखते हो गए मोहतरम आपके शहर में, हो गए मोहतरम आपके शहर में। और देखो ये शेर, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, आते रहते हैं हम आपके शहर में, आते रहते हैं हम आपके शहर में। और शेर देखो, शहर ये आपका, शायद रेहान भाई दीपू भैया के लिए पढ़ेंगे शेर। शहर ये आपका है हमारा नहीं, शहर ये आपका है हमारा नहीं, भूल जाते हैं हम आपके शहर में, भूल जाते हैं आपके शहर में। शेर पढ़ना, गजल यूं सुनाई मैंने, शहर ये आपका, कलकत्ता वालों सुने, शहर ये आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, सुनो ये शेर, आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, मर ही जाएंगे हम आपके शहर में, मर ही जाएंगे हम आप।
तमन्ना है अंतिम चलेंगे कभी, ये तमन्ना है अंतिम चलेंगे कभी, आपके साथ हम आपके शहर में, आप का तो भाई अच्छे से, आपके साथ हम आपके शहर में तोड़ कर हर कसम आपके शहर में, चुप 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 रे चली है जीवन की। आखिर अच्छे से पता करना अपनी बड़ी बहन को, इसके बाद और हाँ देखेंगे, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो लेट नहीं हुई तो मैं चुप 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 रे चली है जीवन की, हंसना रोना जान सोना कोना पाना सुख दुख दुख सुख जब मैं लिखो होंगी, चुप 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 रे चली है जीवन की, फिर से पढ़ती हूँ समझ गया, चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की, हंसना रोना जाना सोना कोना खाना सुख दुख दुख सुख गाओ, चुप 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 रे चली है जीवन की। अब जीवन की रेल कैसे चलती है, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, चुप 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 रे चली है, चुप 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 रे चली है। अगला मैं और सुनाती हूँ, सामा बांध रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए रुक, चुप 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 रे चली है जीवन की। में गाए गुनगुनाते हुए जाना, चुप 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 रे चली है जीवन की। अगला बार पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, ये भी सोच ले हमने क्या क्या मार किया है बुक, अल्लाह सलामत रखे, वो ट्रेन को भी ऐसे चला रहा है जैसे कि फोर व्हीलर चला रहा हूँ, चुप 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 रे चली है जीवन की, गाइए, चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की। आखिर पर अगर आप मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं और मैंने कुछ सच्चा सच्चा सुनाने की कोशिश की है तो अपनी बड़ी बहन को अच्छे से विदा करना और गुनगुनाते हुए जाना, अब ये बन सुनो जिंदगी, चुप 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 रेल चली है रात और उन्हें में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र उस गाड़ी के पहिए और चिताई स्टेशन है, उम्र उस गाड़ी के पहिए और लहद स्टेशन है, जैसे तो पटरी हो वैसे सा चले
गाते हैं, सिंधी की गाई ना, चुप 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 चुप।